वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन को स्टॉक प्राइस थी वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी को स्टॉक प्राइस थी तेईस मार्च दो हजार बीस को जब निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करंट प्राइस है वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन को स्टॉक प्राइस थी वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी को स्टॉक प्राइस थी तेईस मार्च 2020 को जब निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करंट प्राइस है वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन के दिन एक लाख रुपए दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट वैल्यू है यही एक लाख रुपए की अगर हमने एट परसेंट इंटरेस्ट से फिक्स डिपॉजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती एफडी के एट परसेंट के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया दोनों स्टॉक्स ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया? विनर है आज अगर किसी को एक लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो वो क्या करें दोनों में से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या एफडी में करे दोनों शेयर के और निफ्टी के एन्युअलाइज रिटर्न परसेंटेज हमने देखे, वही रिटर्न परसेंटेज अगर भविष्य में भी कंटिन्यू होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आइए देखते हैं Thank you.